डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। मैं ताहिर नकाश, टीचर गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल बाजरकोट, जून छमकोट। बच्चों, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ताजमहल, क्लास फोर्थ का। तो चलो बच्चों, अब हम ताजमहल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आपने शाहजहां का नाम तो सुना ही होगा, वो मशहूर मुग़ल बादशाह अकबर का पोता था। बच्चों, आपने शाहजहां का नाम तो सुना ही होगा, वो कौन थे? मशहूर मुग़ल बादशाह अकबर का पोता था। अपने बाप जहांगीर की वफ़ात के बाद शाहजहां दिल्ली के तख्त पर बैठा। क्या हुआ बच्चों? उनका बाप जब वफ़ात पा गया, उसके बाद कौन बैठा दिल्ली के तख्त पर? शाहजहां। उसे बाग लगवाने और इमारतें बनवाने का बहुत शौक था। क्या था बच्चों उसको? इमारतें बनाने का और बाग लगाने का क्या था? बहुत शौक था। दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और आगरा का ताजमहल उसकी तामीर की हुई इमारतों में सबसे ज़्यादा मशहूर है। क्या? दिल्ली का लाल किला, जो बच्चों वो भी उसी ने बनाया है शाहजहां ने, जामा मस्जिद दिल्ली की भी, और आगरा का ताजमहल जो मशहूर है, जिसको पूरी दुनिया में देखने के लिए सियाह लोग आते हैं, वो भी किसने बनाया बच्चों? शाहजहां ने। ताजमहल का शुमार दुनिया के जायबात में होता है। क्या होता बच्चों? ताजमहल जो दुनिया के अजूबे हैं उनमें उसका शुमार भी होता है। लाखों की तादाद में हर साल मुल्की व गैर मुल्की सियाह इसे देखने के लिए आते हैं। क्या होते हैं बच्चों? लाखों की तादाद में मुल्क से और दूसरे ममालक से, आउट ऑफ कंट्री जो लोग हैं दूसरे मुल्कों से, वो भी इसको देखने के लिए क्या करते हैं बच्चों? आते हैं। शाहजहां को अपनी मलका मुमताज़ महल से बड़ी मोहब्बत थी। क्या थी बच्चों? शाहजहां जो था उसको अपनी मलका, जो उसकी रानी थी, बीवी थी, उससे उसको क्या थी? बहुत मोहब्बत थी। मुमताज़ महल का असली नाम अर्जुमंद बानो था। क्या था उसका नाम? असली नाम अर्जुमंद बानो था। तो बच्चों, यहाँ से आगे हम कल पढ़ेंगे। बाकी वस्सलाम।